हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगी। आप सब मुझे अजीब सा देख रही होंगी। मैं अभी बैठी हूँ यहाँ चेयर में, ये देखिए मैं कंगी वंगी बिना करे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ आप सबको बताने के लिए। आज ना मेरा तबीयत खराब है, ऐसे सर्दी वगैरह तो नहीं है, फिर भी ऐसे तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है। काम करने का भी कुछ मन नहीं हो रहा है और खाने का भी कुछ मन ही नहीं हो रहा है। मैं आप सबको दिखाती हूँ, ये देखिए बेड ऐसे तो वैसे ही पड़े हुई है, कुछ भी नहीं किया। देखिए देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे रहने दे रही हूँ। थोड़ा ठीक लग जाने के बाद मैं काम कर लूँगी। और आप सभी ये देख सकती हो, ये है मैं बेबी के लिए यहाँ झूला बनती हूँ, तो यहाँ एक और उधर एक खिड़की में। आप सब जानती ही होंगी मैं सब घर का काम मैं ही करती हूँ, बेबी को भी मैं ही संभालती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मेरा तबीयत और खराब ना हो जाए, और भी खराब होने से बेबी संभालने के लिए, घर संभालने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बड़ा घर में जैसे काम होता है, छोटा घर में भी ऐसे ही काम तो होते हैं। बेबी आ रही है इधर, देखिए गाइस माइंड मत कीजिएगा, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है देख के। और अभी ना सबका भी तबीयत खराब हो रहा है, किसी का सर्दी किसी का बुखार ऐसे, लेकिन मेरा बुखार भी नहीं है सर्दी भी नहीं है, बस ऐसे कुछ एनर्जी ही नहीं है ऐसे लग रहा है। और बेबी को भी काल ना लॉस मोशन हुआ था, तो वो भी अच्छा नहीं लग रहा है। अभी तो ऐसे खेल रही है। अब सब भी प्रे करना, जल्दी मैं ठीक हो जाऊँ। मैं भी प्रे करती हूँ भगवान से। कुछ खाने का मन नहीं होने से भी कुछ खाना तो पड़ेगा ना गाइस, बेबी है ऊपर से, और संभालने के लिए अगर मम्मी पापा होते तो वो लोग संभालते, यहाँ कोई भी नहीं है, तो खाना तो पड़ेगा ही। खाने का तो कुछ भी मन नहीं कर रहा है। बेबी आई हुई है यहाँ ब्रश लेके, ब्रश करो ये करो, हाँ ये देखो ब्रश करने के लिए तो ये ले लेते हैं, लेकिन ये दाम से नहीं करते। मुझे दो मैं करवा देती हूँ, बोलने से भी ये नहीं लेगा, ये खुद ही करेगा बस ऐसे ऐसे। बेबी इसको उठाने में भी ना मेरा एनर्जी कम लग रहा है। पियो बेटा, हेलो बोलो, हेलो मेरे मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बोलो मत खा ऐसा। देखो ये कैसे खा रही है, ये खाने का नहीं है ना, ये करो मैं कर देती हूँ। को देखो गाइस कैसे ये ब्रश कर रहा है, ट्रैक्टर। बेबी ना ट्रैक्टर देखने से बहुत खुश हो जाती है। ट्रैक्टर चला गया, अब देखने को नहीं मिलेंगी ना। जा ब्रश वॉश करके आ बेटा, जा हो गया, दांत ही सब टूट जाएगा इसे ब्रश करने से। यहाँ ना ऐसे मौसम ठीक नहीं है, पूरा गर्म हो जाता है सुबह से, धूप देने से सुबह से बहुत गर्म हो जाता है, बारिश होने से तो ठंडे, इसीलिए सबका तबीयत ठीक नहीं है ना, हो सकता है इसीलिए तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे मौसम बदल रहा है ना, अभी सर्दी आने वाली है इसीलिए होंगी।
बेबी मत करो, ट्राइपॉड में ना ये उसका जो टूथब्रश को ये ऐसे डाल रही हूँ। बेबी मुझे यही ब्रश दे के चली गई। भूख तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, फिर भी खाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे जल्दी ठीक होना है ऐसे सोच के, और भैया ने खाना बना के दिया तो मैं भी मना नहीं कर पाया, थोड़ा ही खाना खा पाया। और खाना खाने के बाद मैं यहाँ बेडरूम में आ गई और ये बेडशीट वगैरह ठीक करके फिर से मैं लेट गई। देखिए ऐसे बिस्तर में ले जाने से भी, ऐसे आँख बंद करने से भी मेरा काम ये है वो है, मैं ऐसे सोचते रहती हूँ। और देखिए मैं सो ही नहीं पाया, और दिन में सोने से ना मुझे अजीब सा लगता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब मेरे ब्लॉग को पसंद आएगी। अगर पसंद आए है तो लाइक शेयर, और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अच्छे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।